जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान पर हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू जे एल झारखंड लाइव्स झारखंड नंबर वन यूट्यूब स्टडी चैनल दोस्तों आज है 18 जनवरी और हम लोग यहां पर आज 18 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप जे एल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डेली शाम के सात बजे वहाँ पर पी प्रोवाइड कर दी जाती है तो पी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों हमारी बुक जो है वो एक से दो दिनों में झारखंड के सभी जिलों में मिलना शुरू हो जाएगा इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सोमवार से मंगलवार ठीक है सोमवार मंगलवार को ये सारी बुक जो है वो सभी जिलों में पहुँच तो आप अपनी नजदीकी पुस्तक दुकान में बुक शॉप में जाकर इस बुक को परचेज कर पाएंगे ठीक है? तो एक से दो दिनों में आपके पास ये बुक पहुंच जाएगा तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज अठारह जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण देखते हैं तो प्रश्न है कोविड नाइन्टीन टीकाकरण के पहले दिन कितने स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो राज्य के बत्तीस सौ कर्मियों को राज्य में पहले दिन टीकाकरण किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोविड नाइन्टीन का वैक्सीन आ गया है और सोलह तारीख से यहाँ पर इसकी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन राज्य के बत्तीस सौ कर्मियों को टीका लगाया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए देश के साथ साथ झारखंड में भी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी को रांची के सदर अस्पताल से शुभारंभ किया गया है कहां से किया गया है रांची के सदर अस्पताल से शुभारंभ किया गया है और पहले ही दिन राज्य में बत्तीस सौ स्वास्थ्य कर्मियों का टीका लगाया गया है उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसके लिए राज्य के सभी चौबीस जिलों में दो दो केंद्र बनाए गए थे कुल जो है वो राज्य में अड़तालीस केंद्र बनाए गए हैं टीकाकरण के लिए कोरोना टीकाकरण के लिए कोरोना वैक्सीन के लिए राज्य में सप्ताह में अब चार दिन टीकाकरण का कार्यक्रम चलेगा ठीक है राज्य में सप्ताह में चार दिन टीकाकरण किया जाएगा और यह जो दिन होगा वो देख लीजिए यहाँ पर शनिवार से इसकी शुरुआत सु, हुई है और इसके बाद सोमवार मंगलवार बुधवार और शुक्रवार को टीकाकरण किया जाएगा प्रत्येक बूथ पर सौ लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है प्रतिदिन इन सभी बूथों पर जो कोविड नाइन्टीन वैक्सीन का यहाँ पर जहां पर टीकाकरण किया जाएगा उनमें सौ लोगों को प्रतिदिन टीका दिया जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन का पुराना लक्ष्य दस मेगावाट से बढ़ाकर कितना मेगावाट कर दिया गया है ठीक है तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पहले झारखंड में दस मेगावाट कुसुम योजना के दी गई है तो, इसका सही जो यहाँ पर, दी बिल्कुल सही तो अब जो है वो 50 मेगावाट की उत्पादन की जाएगी झारखंड राज्य में और इसकी जो है वो यहां पर सीमा बढ़ा दी गई है 10 मेगावाट से बढ़ाकर अब 50 मेगावाट कर दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए राज्य के बंजर भूमि पर सोलर फार्मिंग जल्द शुरू होने जा रही है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने झारखंड में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन का पुराना लक्ष्य दस मेगावाट से बढ़ाकर पचास मेगावाट कर दिया गया है ठीक है पहले यह जो क्षमता यहाँ पर झारखंड में स्थापित की जानी थी वो दस मेगावाट की की जानी थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर यहाँ पर राज्य में पचास मेगावाट जो है वो बिजली उत्पादन किया जाएगा सौर ऊर्जा के माध्यम से जे वी एन एल को यह लक्ष्य डेढ़ वर्षों में हासिल करना है और इसके लिए 28 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि पर जो है सोलर फार्मिंग की जाएगी ठीक है सोलर फार्मिंग का यहाँ पर मतलब है कि सोलर पैनल उस जगह पर लगाए जाएंगे जहां पर बंजर भूमि होगी जेवीएनएल को तीन दशमलव जीरो नौ रुपये प्रति यूनिट की दर से बेच सकेंगे बिजली अगर आप सोलर फार्मिंग करते हैं तो जेवीएनएल को तीन दशमलव जीरो नौ रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बेच सकते हैं तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो दस मेगावाट से बढ़ाकर पचास मेगावाट कर दिया गया है यहाँ पर केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य के कितने स्कूलों की सैंपलिंग की जाएगी ठीक है राज्य के कितने स्कूलों की सैंपलिंग की जाएगी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा राज्य के पचास स्कूलों का कितने स्कूलों का पचास स्कूलों का जो है यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सैंपलिंग करेगा तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अब ये सैंपलिंग में क्या क्या होगा वो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो राज्य के आवासीय विद्यालयों की सैंपलिंग की जाएगी और यह कार्य राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जाएगा इसके लिए झारखंड सरकार ने 50 आवासीय विद्यालयों का चयन किया है जो झारखंड प्रदेश के दुर्गामी क्षेत्रों में अवस्थित है तो ये जो पचास आवासीय विद्यालय हैं उनका चयन किया गया है जो झारखंड प्रदेश के बहुत ही आज जो है वो दूरगामी क्षेत्रों में स्थित हैं बहुत ही जंगल में स्थित है या दूर में स्थित है जहाँ पर कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वैसे जगहों को चिन्हित किया गया है चयन किया गया है आवासीय विद्यालय की सैंपलिंग के तहत विद्यालयों की स्थिति बच्चों की स्थिति व अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी ठीक है बच्चों की स्थिति क्या है विद्यालय की स्थिति क्या है ये सारे रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे और सैंपलिंग कार्य बाईस जनवरी से शुरू होगा जो करीब एक माह तक चलेगा तैयार रिपोर्ट के आधार पर जो यहाँ पर विभाग जो है यहाँ पर आयोग जो है वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद राज्य सरकार को निर्देश देगा कि रिपोर्ट में पाई गई खामियों और असुविधाओं को दूर किया जाए झारखंड में सैकड़ों आवासीय विद्यालय हैं परंतु आयोग की टीम ने वैसे विद्यालयों का चयन किया है जो कस्बों व शहरों शहरी इलाकों से दूर है साथ ही साथ अति पिछड़े जंगली इलाकों में मौजूद है तो स्कूल तो बहुत सारे हैं लेकिन ऐसे स्कूलों का चयन किया गया है जो गांव में है जंगल में है जहां पर अति पिछड़े लोग हैं शहरी इलाकों से बहुत दूर है वो वैसे स्कूल का यहां पर चयन किया गया है इसमें संथाल परगना के जामताड़ा दुमका महुआटाण जाईबासा सहित अन्य सुदूरी इलाकों के विद्यालय शामिल हैं उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो सैंपलिंग किया जाएगा वो चार फॉर्मेट में किया जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि भवन की स्थिति क्या है शिक्षकों की स्थिति क्या है छात्रों की वर्तमान स्थिति क्या है और लॉकडाउन में ठीक है लॉकडाउन में छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है और विद्यालय को सही समय में जो पैसा है वो मिलता है या नहीं मिलता है और इसका अध्ययन किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा राज्य के 50 आवासीय विद्यालय हैं जिनका चयन किया गया है सैंपलिंग के लिए और ये जो सैंपलिंग की जाएगी वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से की जाएगी ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर 16 जनवरी 2021 को एक्स आई एस एस जयवर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची का कौन सा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है सोलह जनवरी दो हजार इक्कीस को एक्स आई एस एस जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची में स्थित है तो इसकी कौन सी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो उनसठवा ठीक है फिफ्टी नाइन्थ यहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है हाल ही में सोलह जनवरी को जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची का तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए पूरे डिटेल्स में हाल ही में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची का उनसठवा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है ये संस्थान का पहला वर्चुअल दीक्षांत समारोह था जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कौन शामिल हुए थे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए थे आ, मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत समारोह में तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसी के दौरान यहां पर इस समारोह में कुल 304 विद्यार्थियों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है ठीक है तो हाल ही में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस है रांची में स्थित है इसकी उनसठवा अधीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है ठीक है जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर आ, मुख्य अतिथि के रूप में थे तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है केंद्र के किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए श्रेष्ठ मंत्रालय का स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है ठीक है श्रेष्ठ मंत्रालय का स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय को यहाँ पर 2019-20 के लिए श्रेष्ठ मंत्रालय का स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे झारखंड में पढ़ रहे हैं क्योंकि तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है तो झारखंड के सांसद हैं खूटी से अर्जुन मुंडा और वे जो है वो मंत्री हैं इस मंत्रालय के तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए श्रेष्ठ मंत्रालय का स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है याद रखिएगा स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री झारखंड के खूटी की सांसद अर्जुन मुंडा है अवार्ड देने वाली स्कॉच अवार्ड एजेंसी एक स्वतंत्र निजी इकाई है वह केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के कामकाज की लगातार अध्ययन करती है और शोध आधारित समग्र प्रदर्शन की उपलब्धियों के आधार पर अवार्ड के लिए मंत्रालय का चयन करती है तो स्कॉच अवार्ड जो समिति एजेंसी है एक स्वतंत्र निजी इकाई है और ये केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के काम काज की लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करती है और उसके बाद जो है यहाँ पर तय करती है कि कौन सा मंत्रालय जो है बेहतर कार्य किया है और कि उसी आधार पर अवार्ड जो है वो प्रदान करती है यह अवार्ड केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रदान किया गया है क्योंकि वर्तमान में विभाग के डिजिटलाइजेशन की वजह से चौंसठ लाख छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है है? तो डिजिटल यहां पर हुआ है विभाग का और डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है लगभग लाख पर छात्र हैं जिनको डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को यहाँ पर स्कॉच श्रेष्ठ जो है वो मंत्रालय का पुरस्कार दिया गया है स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य सरकार तथा सी के संयुक्त खेल उपक्रम झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी में खेलो इंडिया के तहत कितने नए खेल को जोड़ा जाएगा ठीक है कितने नए खेल को जोड़ा जाएगा यहाँ पर राज्य सरकार तथा सी का जो संयुक्त खेल उपक्रम है झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स स्थ। प्रमोशन सोसाइटी में तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा कुल चार खेलों को जोड़ा जाएगा कितने खेलों को जोड़ा जाएगा तो कुल चार खेलों को जोड़ा जाएगा राज्य सरकार तथा सीसीएल के संयुक्त खेल उपक्रम है झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी और इसमें खेलो इंडिया के तहत चार नए खेलों को लिस्ट में जोड़ा जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा ये चार खेल कौन कौन से होंगे तो वो यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर देख लीजिए झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी में खेलो इंडिया के तहत अप्रैल माह से ठीक है अप्रैल माह से चार नए खेल जुड़ने वाले हैं और ये खेल कौन कौन से होंगे तो मुक्केबाजी है टेबल टेनिस है बैडमिंटन है तथा लॉन टेनिस है तो ये खेल जो है यहाँ पर जोड़ जाएंगे खेलो इंडिया के तहत अभी वर्तमान में जे में जो यहाँ पर आठ खेल चल रहे हैं जिनमें प्रशिक्षण चल रहा है तो जे जो है अपनी सूची में आठ खेलों को रखा है अभी वर्तमान में लेकिन अब यहाँ पर चार नए खेलों को जोड़ने जा रहा है जे आने वाले दिनों में पूर्वी क्षेत्र के जो खिलाड़ी होंगे उनको भी प्रशिक्षण प्रदान करेगा पूर्वी भारत के जो क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र के जो खिलाड़ी होंगे उनको भी जे प्रशिक्षण प्रदान करेगा तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झारखंड स्टेट प्रमोशन सोसाइटी है जो कि चार नए खेलों को अपनी लिस्ट में जोड़ेगा तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर पिछले आप वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि राज्य में किसी की सड़क हादसे पर मौत होने पर परिजनों को राज्य सरकार कितनी मुआवजा राशि देने की घोषणा की है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एक लाख रुपये राशि प्रदान करेगी राज्य सरकार कितनी करेगी मुआवजा के रूप में एक लाख रुपये राशि प्रदान करेगी जब भी किसी भी व्यक्ति की यहां पर सड़क हादसे में मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को मुआवजा के रूप में एक लाख रुपए प्रदान करेगी तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था तो यहां पर देख लीजिए झारखंड सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो परिजनों को एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और मुआवजा राशि जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दी जाएगी ठीक है तो ये निर्णय जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता और, और स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया था तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अब यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्वेश्चन है यहाँ पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में अंग्रेजी भाषा में लिखित पुस्तक क्रोमोजोम्स पुस्तक का लोकार्पण की है इस पुस्तक के लेखक कौन है तो चार ऑप्शन है हाँ आपके यहाँ पर डॉक्टर अरुण कुमार डॉक्टर सॉरी प्रोफेसर कामिनी कुमार तीसरा ऑप्शन है रमेश पांडे और चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर अंजलि भारद्वाज तो आपको कमेंट करके बताना है कि पुस्तक क्रोमोजोम्स पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर कमेंट कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करिएगा ठीक है तो दो दोस्तों ये थी पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें आ रहा है आपके नजदीक